सांकरी देवता, आप देख सकते हैं ये एक मंदिर है यहाँ पे, और काफी सारे ट्रैकर्स जो हमारे साथ चल रहे हैं आगे भी हैं और इस साइड पीछे से भी, अभी आप को दिख रहे होंगे इस साइड से भी आ रहे हैं। और यहाँ से जो मेन ट्रैक है, ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो हम बसेस में थे, लेकिन अब जो है रियल एनर्जी का पता लगेगा। यो ब्रो अंकरी देवता जो कहा जाता है। और यहाँ पे अभी सारे ट्रैकर जो वो इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारे RDX भाई हैं और ये बोल रहे हैं हमारे साथ नहीं छोड़ना, इनके साथ माधव जी अंत तक, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये इस साइड मंदिर के इस साइड का कुछ व्यू है पूरा, और ये फ्रंट से जो है। इस साइड सामने दिख रहा होगा ये जो है नत्था टॉप है। अभी हमने यहाँ जाना है और इधर से ऊपर हमने लद्दा दहार के लिए जाना है। लद्दा दहार यहाँ ऊपर है और वहां से हमने इस साइड जाना है। और इस साइड भी आप देख सकते हैं अभी ग्रीनरी नहीं है बिल्कुल जो है। हो चुके हैं लेकिन दोबारा से हम ट्रैक पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें थोड़ा ऊपर से जाना था लेकिन हम रास्ता भूल गए, वापस इस साइड जो ऊपर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई क्या कहना चाहोगे आप, रास्ता भूल गए। यहाँ पे हमें छोटा सा स्विमिंग पूल भी दिख गया है, नेचुरल स्विमिंग पूल है भाई, काफी ठंडा पानी है बहुत ज्यादा और बहुत फ्रेश पानी है। इस साइड इसके ऊपर कोरा भी लगा, कोरा लगा, ये देखो इसको भाई 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 वाह, दिस इज ट्रांसपेरेंट मिरर है ये, आप हाथ में ले सकते हैं इसका, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिरर है। और यहाँ पे दोपहर के 1-2 बजे हैं लेकिन अब तक ये कोरा जो पूरी तरीके से पिघला नहीं है, इधर आने है, पूरी बर्फ बनी हुई है, ये देख सकते हैं आ रहे हैं उधर जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, भैया मारना दे रहे यहाँ पे गई बल पकड़ लो ना, वो जो आदमी पकड़े भैया वो देखो हिप्पो बाटे मस भाई, ये देखो फाइनली हमें जो है 7 स्टार मिल गया। हमारे यो ब्रो जो नीचे खड़े हैं इनका 7 स्टार वो ऊपर खड़ा है। और आज हमें वहां नहीं जाना है, काफी गंदी हालत है वहां की, इनके 7 अंडर प्रोग्रेस है, काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है वहां अभी, दरवाजे फंड रुक गए, दरवाजे लगने के बगैर फंड सारे रुक गए हैं इनके जो है, कंपनी डूब रही है, बिटकॉइन जो है वो बैन हो गई है। बिटकॉइन बैन होने की वजह से यो ब्रो को काफी नुकसान पड़ी है भाई। यहाँ पे पहाड़ों में आपको कुछ इस तरह के घर दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब बर्फ पड़ती है तो दूसरे मकान जो वो यहाँ पे जो है कामयाब नहीं होते, तो इसलिए लोग यहाँ पे जो है जो भी सामान लगता है वो लाने में काफी डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए लकड़ी और मिट्टी यहाँ से ही जो अरेंज करके ऐसे मकान बनाए जाते हैं। और हमने अभी उस टॉप पे जाना है इस मंदिर के पास, यहाँ से देखो यार यहाँ पे आर्यवंश भाई जो है वो फ्लैग को जो है लहराते हुए, JK टूरिज्म, काफी अच्छा व्यू जो है पीछे बादलों का दिख रहा है इस टाइम पे। कम्पेयर टू लास्ट ट्रैक जो शंखपाल वाला ट्रैक था, ये थोड़ा इजी है और मौसम भी काफी ठंडा है, तो चलने में डिहाइड्रेशन भी उतनी नहीं हो रही है, प्यास भी नहीं लग रही है, तो थोड़ा इजी हो रहा है। ठंडा ठंडा मौसम, धूप भी काफी ठंडी है और इन वादियों में हम भी मजे ले रहे हैं। JK टूरिज्म का
लास्ट कुछ मंथ से जेके टूरिज्म काफी जो वो ध्यान दे रहा है ऐसे ट्रैकिंग्स को, जो यंग जनरेशन को इनकरेज कर रही है, और ऐसे ट्रैक्स पे उनको लाके ये जो पहाड़ और ये हसीन वादियां हैं इनको एक्सप्लोर करवा रही है। और अभी हम भी इन हसीन वादियों का जो है वो मजा ले रहे हैं। और इस कैंपेन का नाम है स्वीप कैंपेन, जो ग्रीन पत्नीटॉप क्लीन पत्नीटॉप के थ्रू जो करवाया जाता है पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी और जे एंड के टूरिज्म और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोलैबोरेशन के साथ ये पूरा जो है ये ट्रैक जो है वो करवाया जा रहा है। और वहां से फिर हमें आगे जाना है उस साइड उस टॉप पे वो नथा टॉप से, और वहां से सीधा हम पत्नीटॉप चले जाएंगे। और आप व्लॉग में जुड़े रहें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऐसी वीडियोस के लिए। अभी हमारे यो ब्रो यहाँ पे, इनको कुछ दाढ़े सी दिख रही हैं, ये इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये किस चीज की है। ये फोटो की अगर आपको पता हो तो आप बता दें कि ये किस चीज की, जो ये जो दांत हैं और इस साइड रीढ़ की हड्डी टूटी हो तो ये लगा लें। अगर किसी की रीढ़ की, अभी दाऊ की जो है रीढ़ की हड्डी काफी कमजोर हो गई है, तो इनका जो है यहाँ से हम सर्जरी करके ये रीढ़ की हड्डी डालें। और हम इन प्लेन्स में आ चुके हैं, काफी प्लेन्स में आ चुके हैं। अभी हम टॉप पे इस साइड आप ऊपर कुछ ट्रैकर्स देख सकते हैं, पहुंच चुके हैं लद्दा दहार में। और यहाँ से हमारा ट्रैक जो है वो नथा टॉप के लिए, और नथा टॉप से हम सीधा पत्नी टॉप जाएंगे। और यहाँ का व्यू आप देखोगे काफी प्यारा व्यू, आसपास भी आप देखोगे बिल्कुल प्लेन्स है यहाँ पे पूरा जो है, ये एक लद्दा दहार एक पूरी रेंज है पूरे जो है शंखपाल से लेके और यहाँ तक जो है पंचारी तक एक पूरी एक रेंज है दहार्स की। दहार्स मीन ये जो बने हुए होते हैं टॉप्स, इनको जो है दहार कहा जाता है। और ही इसका आप इस साइड भी देख सकते हैं काफी प्लेन है। और यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं नथा टॉप, नथा टॉप से अब फिर हम सीधा जाएंगे पत्नी टॉप। ट्रैक में जो है काफी मजा आ रहा है। मेरे पीछे, मेरे कैमरे के पीछे है अक्षय भाई। अक्षय भाई आप क्या कहना चाहोगे ट्रैक के बारे में, आज के ट्रैक के बारे में? आज का ट्रैक जो है बहुत ही एडवेंचर है, और साथ जैसे में जैसे सूरज जो है वो ढलता जा रहा है, बादल जो है सूरज को घेरते जा रहे हैं, और ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। अब हाथ ठंडे होने लगे और फील हो रहा है हमें हाथ लंच नहीं मिला है। अभी हमें नथा टॉप में जाके लंच मिलेगा, वहां से लंच करने के बाद हम वहां में आ जाएंगे नथा टॉप में गाड़ी, और वहां से हम सीधा चल जाएंगे पत्नीटॉप। आप व्लॉग में जुड़े रहे हैं, आपको भी घुमाएंगे इस पूरे जो है ट्रैक में। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल अक्षय भाई, अभी आप शाम को जो है लंच कर रहे हो, आपका लंच तो अभी ये टाइम नहीं है, लेकिन कैसा लगा आपको यहाँ राजमा? सर जैसी चढ़ाई चढ़ाई बिल्कुल चाहिए, मुर्गा थोड़ा अंडे चाहिए। मुर्गा आपको नीचे होटल में मिल जाएगा, अभी आप राजमा और अम्बल को एंजॉय करो। ये जो है जम्मू की फेमस डिश है, कैसा बना है? पहाड़ों के बीच में ना कच्ची रोटी, इस साइड पूरे सभी जो है लंच कर रहे हैं। बिल्कुल टाइम जो है अभी हो रहा है वो 5:18 हो रहा है, पूरे जो है सूरज जो है वो ढल गया है और पूरे लाल लाल कलर के सामने दिख रहा है। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे वापस